सरकार के मज़ार पे जो है मीर उस्मान अली खां बहादुर के मज़ार पे आए हैं और यहाँ पर मस्जिद भी है। मस्जिद के अंदर हम दो रकात नफिल नमाज शुक्राने के पढ़ के जो है ना यहाँ पर ज़ियारत करे हैं, चादर पेश करे सरकार के पास मीर उस्मान अली खान साहब बहादुर के पास, क्योंकि आज जितने प्रॉपर्टी तकरीबन हैदराबाद में है इन्हीं के प्रॉपर्टी और इनके भी हुक्मरानी जो चली है यहाँ से लेके औरंगाबाद तक, दक्कन के शहनशाह थे ये भी, क्योंकि कोई मामूली हुकूमत नहीं चला ये लोग, क्योंकि वर्ल्ड से जो है ना जैसा लंदन की मलका जबत है ना वो लोग भी जो है ना यहाँ पर आकर इनसे मिलने के लिए भी टाइम लेते थे वो लोग, वैसी हुक्मरानी करे हैं। क्योंकि एक हैदराबाद को सोने की चूड़ी बोल के बोलते थे पहले, क्योंकि आज इंडिया में सबसे ज़्यादा पैसे वाला मुल्क था बोले तो हैदराबाद दक्कन था अपना इससे पहले, और निज़ाम सरकार की हुकूमत में भी जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेके चलने वाली गवर्नमेंट हमारे निज़ाम सरकार की रही। क्योंकि ब्रिटिश के बाद में जब इंडिया आज़ाद हुआ तो उस टाइम भी जो है ना इन्हों सपोर्ट करके हुक्मरानी जो है ना हिंदुस्तान के हवाले इंडिया के हवाले करके ये लोग जो है ना अपना खामोश इख्तियार करे लोग, क्योंकि इनकी हुक्मरानी जो है ना सेकुलर थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब कुछ लेके चलने वाले थे। आज जैसा केसीआर साहब लेके चल रहे हैं, केसीआर साहब भी इंडिया में नंबर वन सीएम है, हम इससे पहले भी कई बार बताए हम, क्योंकि जो प्रैक्टिकल केसीआर साहब को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ और हमारे मीर उस्मान अली खां बहादुर उनके औलाद को उनको जो भी उनको अल्लाह जन्नत नसीब करे और उनके उनको जो दर्जात बुलंद करे उनके इंशाल्लाह। और क्या इंस्पेक्शन करने आए हैं हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ का, थोड़ा ऑफिस में बैठ के एक दो मिनट बात करके इनके जो प्रॉपर्टीज़ जो कब्ज़ा हो रहे हैं, क्योंकि वफ उसके ऊपर जो है वफ के तहत है ये भी, तो उसको जो है ना हम देखकर जो है उसमें क्या क्या इंक्रोचमेंट है क्या है देख के जो है कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, तो हम जो है ना गवर्नमेंट को भी इसकी रिपोर्ट देंगे, देख के जो है ना जहाँ जहाँ इंक्रोचमेंट है उसको हटाने की भी कोशिश करेंगे।